तो अभी हम डिबेंचर वाला प्रॉब्लम करेंगे, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे ज़्यादा आसान तो पूरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अगर कभी ये आपको एग्ज़ाम में पूछ ले तो बहुत ही अच्छा होगा, और इसे आपको करना आना चाहिए। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सिखाऊंगा। इसके प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दे देगा, हर एक एक ट्रांजेक्शन में इशू रहेगा और रिडम्पशन रहेगा। इशू का मतलब कंपनी अगर कभी डिबेंचर पब्लिक को बेची तो इशू बोलते हैं, और हर एक एक डिबेंचर का तकरीबन रिडेम्पशन वाले डिबेंचरों का एक लाइफ रहता, 5 साल 10 साल जो भी उसकी लाइफ है, उसके बाद में वो कैंसिल हो जाते। मतलब कंपनी उन शेयर्स की कीमत लौटा डालती शेयर और डिबेंचर को कैंसिल कर देती। तो फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, कैसा सॉल्व करना, चलो मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करके सीधा प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जैसे कि ये मौजूदा प्रॉब्लम है, एक्स लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। गिव द जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 5 केसेस दिया इन्हें। एक बात याद रख लो, हर एक एक ट्रांजेक्शन में दो दो किस्म के इंट्रीज रहते, एक इशू के टाइम का रहता और एक रिडम्पशन के टाइम का रहता। इशू के टाइम पे आप ये एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और रिडम्पशन के वक़्त आप एंट्री पास करना, डिबेंचर अकाउंट, इसका उल्टा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि इशू करते वक़्त बेचते वक़्त पैसे आते डिबेंचर जाते, और दूसरी वक़्त रिडम्पशन करते वक़्त डिबेंचर कंपनी वापस ले लेती और पैसे दे देती। तो ये बेसिक एंट्री है। अब इसके साथ कभी वो डिस्काउंट जोड़ देगा, कभी वो प्रीमियम जोड़ देगा। तो आप कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा बैंक के साथ लगना। अगर इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे रहा तो बैंक डेबिट में रहता, तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही आना। और रिडम्पशन के वक़्त अगर कभी वो डिस्काउंट कह रहा है तो क्रेडिट में डिस्काउंट आना, मतलब जिधर बैंक उधर डिस्काउंट। और एक बात याद रख लो, डिबेंचर की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू है, तो डिबेंचर की वैल्यू कभी नहीं बदलेंगी, वो 100 ही रहेंगी। अगर कभी 5% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ₹5 हो गया और बैंक ₹95 हो गया। यहाँ पर देखिए, ₹100 अगर कभी डिबेंचर है तो बैंक 95 और डिस्काउंट 5, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर कभी प्रॉब्लम में वो प्रीमियम जोड़ दे, अगर कभी इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो प्रीमियम हमेशा डिबेंचर के साथ रहने वाला है। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम यहाँ पर लिखना। अगर डिबेंचर ₹100 है और 5% प्रीमियम है तो प्रीमियम के अलग से ₹5 मिल के बैंक में ₹105 हो जाएंगे। और रिडम्पशन के टाइम पे अगर कभी प्रीमियम दे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं अब भी बोला आपको, जिधर डिबेंचर उधर प्रीमियम, तो डिबेंचर डेबिट में है तो प्रीमियम भी डेबिट में ही आएगा। ₹100 डिबेंचर, ₹5 प्रीमियम, दोनों मिलके ₹105 बैंक। इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। चलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप तो आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करना है। जैसे कि पहला दिया इन्हें, द डिबेंचर आर इश्यूड एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से ही, पार का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू से ही इशू किए गए, ओरिजिनल वैल्यू से ही रिडीम भी किए गए। तो इसकी इशू के टाइम की एंट्री आएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 2000 डिबेंचर है ₹100 का एक है, यानी कि 2 लाख, 2 लाख। बींग डिबेंचर इशूड, बींग डिबेंचर इशूड। दूसरा, रिडम्पशन के टाइम, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम वही 2 लाख, 2 लाख। पार का मतलब ओरिजिनल कीमत, बस इतना ही है ये। अब इसका दूसरा वाला देखिए आप, दूसरा ट्रांजैक्शन, इसमें भी इशू के टाइम की एंट्री और रिडम्पशन के टाइम की एंट्री लिखेंगे। देखिए क्या है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट 5% बट रिडीमेबल एट पार। अच्छी बात है, इशू के वक़्त डिस्काउंट है, रिडीम के वक़्त ओरिजिनल कीमत है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इतना तो आपको बेसिक मालूम ही है। डिस्काउंट, अब जिधर बैंक उधर डिस्काउंट ना, तो डिबेंचर की कीमत तो कभी नहीं बदलेंगी, डिबेंचर की कीमत 2 लाख है। हाँ, डिस्काउंट कितना परसेंट दिया है, डिस्काउंट 5% है, तो 2 लाख का 5% 10,000, तो बैंक में हुआ 1,90,000।
और रिडेम्पशन करते वक्त डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम वही 2 लाख और 2 लाख। चलिए अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, तीसरे ट्रांजैक्शन में डिबेंचर आर इश्यूड एट प्रीमियम 6% बट रिडीमेबल एट पार। अच्छी बात है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो बेसिक एंट्री है इशू की, ये तो कभी नहीं बदलेंगी, और रिडेम्पशन की भी बेसिक एंट्री है वो भी कभी नहीं बदलेंगी। फिलहाल इशू के वक्त है सो प्रीमियम है 5%, नहीं सॉरी 6%, तो डिबेंचर की कीमत तो कभी नहीं बदलती 2 लाख रुपए, साथ में प्रीमियम भी है, तो जिधर डिबेंचर उधर प्रीमियम 6% 12,000 होता, दोनों मिलके 2,12,000 बैंक में, और इशू करते वक्त ओरिजिनल कीमत है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम 2 लाख, 2 लाख। राइट, अब चौथी एंट्री क्या है, देखिए इशू के टाइम रिडेम्पशन के टाइम डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। अच्छी बात है, ओरिजिनल कीमत से इशू करा, लेकिन ये बहुत आसान है, मैं ये नहीं नेक्स्ट वाला करा देता हूँ आपको। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, ये एक आप देख लो आपको पूरा समझ में आ जाता, मैं चौथा नहीं पांचवा करा रहा हूँ आपको। तो डिस्काउंट के साथ 5% है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कभी नहीं बदलता 2 लाख रुपए, हाँ डिस्काउंट बैंक जिधर है उधर आता ना, तो 5% यानी कि 10,000 और बैंक के 1,90, लेकिन रिडीम करते वक्त प्रीमियम दिया वो, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ प्रीमियम जिधर डिबेंचर उधर प्रीमियम 2 लाख रुपए, डिबेंचर 5% यानी कि 10,000 प्रीमियम, और दोनों मिलके 2,10,000 बैंक। बस इस तरीके से डिबेंचर का प्रॉब्लम करना।